नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। छठी शताब्दी BC में समूचे विश्व को शिक्षा की ज्योति से जगमगाने वाली सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी भारत की देन थी, परंतु यह प्राचीन यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम शासक की सनक के कारण जबरन अग्नि भेंट कर दी गई। आग इतनी भयानक थी कि यूनिवर्सिटी में 3 माह तक आग धधकती रही। क्या आप इस सच से वाकिफ हैं? आखिर क्यों मुस्लिम शासक ने यूनिवर्सिटी को आग के हवाले किया? आइए आज आपको इस सच से अवगत करवाते हैं। प्राचीन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित थी? बिहार के नालंदा शहर में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 6वीं शताब्दी BC में गुप्त राजवंश ने की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। यह राजगीर से पटना को जोड़ने वाली रोड पर स्थित थी। अन्य सभी धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। यह विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर छात्रों के लिए रहने के लिए हॉस्टल भी बने हुए थे। यूनिवर्सिटी में कुल कितने शिक्षक व छात्र थे? 6वीं शताब्दी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस वजह से विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी यहां पर अक्सर हमले करते रहते थे। इसी शताब्दी में तुर्की शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का भारत पर राज था। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र विदेशी थे। उस समय यूनिवर्सिटी में 10,000 छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, जबकि 2,000 शिक्षक तैनात थे। यूनिवर्सिटी में भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, तुर्की व अन्य देशों से छात्र पढ़ने और शिक्षक पढ़ाने के लिए आते थे। सबसे खास बात यह है कि नामवर चीनी यात्री ह्यूनसांग ने भी यहां पर 1 साल तक शिक्षा ग्रहण की थी। यह यूनिवर्सिटी समूचे विश्व के लिए नॉलेज का भंडार मानी जाती थी। यूनिवर्सिटी थी अद्भुत कला का नमूना। जनमानस को शिक्षित करने के उद्देश्य से नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी के मध्य की थी। यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें आने और जाने के लिए केवल एक मुख्य दरवाज़ा बना हुआ था। नॉर्थ से साउथ की तरफ मठों की कतार थी। इनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर बने हुए थे। मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थीं। यूनिवर्सिटी की मुख्य इमारत में 7 विशाल और 300 छोटे कमरे बने हुए थे। इन कमरों में बच्चों को पढ़ाया जाता था। मठ एक या अधिक मंजिलों वाले थे। हर मठ के आंगन में एक कुआं बना हुआ था। 8 बड़ी इमारतों, 10 मंदिर, कई प्रार्थना रूम और स्टडी रूम के अलावा इस कैंपस में सुंदर बगीचे और झीलें भी बनी हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी को भारतीय व विदेशी राजाओं से आर्थिक मदद मिलती थी। यूनिवर्सिटी का समूचा प्रबंध कुलपति या फिर प्रमुख आचार्य करते थे। इनका चयन बौद्ध भिक्षु करते थे। खिलजी का भारतीय वैद्य ने किया था उपचार। कहा जाता है कि एक बार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़ गया। उसने अपने सभी काबिल हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने उसे यूनिवर्सिटी की आयुर्वेद शाखा के प्रमुख राहुल श्री भद्र से इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी किसी भारतीय वैद्य से इलाज के लिए तैयार नहीं था। आखिर खिलजी ने इलाज के लिए राहुल श्री भद्र को बुलवाया। खिलजी ने उनके सामने शर्त रखी कि वह कोई भी भारतीय दवा का प्रयोग नहीं करेगा, अगर वह ठीक ना हुए तो राहुल को मौत दे देगा। यह सुनकर राहुल श्री भद्र परेशान हो गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की शर्तें मान ली। कुछ दिनों बाद खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उससे कहा कि इसके इतने पन्ने आपको रोजाना पढ़ने होंगे, आप ठीक हो जाएंगे। कुछ समय के बाद खिलजी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। आखिर केवल कुरान पढ़ने से कैसे ठीक हुआ खिलजी? आयुर्वेद के विद्वान राहुल श्री भद्र ने खिलजी को भेंट की कुरान के पन्नों पर एक दवाई का लेप लगा दिया था। खिलजी जब भी पन्ने पलटने के लिए मुंह से थूक लगाता था तो वह दवा उसके शरीर में चली जाती थी। ऐसे में वह ठीक हो गया। पूरी तरह ठीक होने के बाद खिलजी ने भारतीय वैद्य के एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात का गुस्सा हुआ कि उसके सभी वैद्य भारतीय वैद्यों के सामने उपचार में फेल हो गए। इस बात से गुस्से में आकर उसने सोचा क्यों ना इस ज्ञान की जड़ नालंदा यूनिवर्सिटी को ही समाप्त कर दिया जाए। गुस्से में आकर खिलजी ने यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी। गुस्साए खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बेशकीमती किताबों का विशाल भंडार था। आग लगने के कारण यह किताबों का भंडार 3 माह तक लगातार जलता रहा। इतना ही नहीं, उसने नालंदा के हजारों धार्मिक नेताओं और बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी थी। कहा जाता है कि उस समय यूनिवर्सिटी में 90 लाख किताबों का विशाल संग्रह था। राष्ट्रपति कलाम ने की थी यूनिवर्सिटी को जीवंत करने की कोशिश। नालंदा यूनिवर्सिटी को विश्व धरोहर के रूप में संग्रहित किया हुआ है। 2006 में पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा जीवंत करने का सुझाव दिया। बिहार सरकार ने राजगीर में यूनिवर्सिटी के लिए 450 एकड़ जमीन भी खरीद ली थी।
इसके पुनर्निर्माण के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की अगुवाई में 2007 में परियोजना की निगरानी के लिए टीम का गठन किया गया, परंतु यह प्रयास आज भी अधर में लटका हुआ है। तो दोस्तों, यह थी विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।